राखी या रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन राखी का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके जीवन के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। तो भाई बहनों को उपहार और उनकी रक्षा एवं सहयोग का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राखी के त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई? आइए आज अपनी संतान को इसकी पौराणिक कथा और उसका सच्चा अर्थ समझाते हैं। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस पर्व की विशेषता के बारे में बताती हूँ। बताया जाता है कि युगों से मनाए जाने वाले इस पर्व के साथ कई युग की विभिन्न कथाएं जुड़ी हुई है, जो हमें विभिन्न शिक्षाएं देती है। सर्वप्रथम भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि वृतासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी शची ने अपने तप की ऊर्जा से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने पति इंद्र की कलाई में बांध दिया। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि मेरे सत का प्रतीक यह धागा रण क्षेत्र में आपकी रक्षा करेगा। इस रक्षा सूत्र ने देवताओं के बीच में आत्मविश्वास जगा दिया और वे अंततः विजयी रहे। यहाँ एक बात समझना कितना मनोरम है कि प्रारंभ में अर्थात सतयुग में स्त्रियां कितनी बलवान और तपस्विनी हुआ करती थी। वे स्वयं राखी बांधते हुए रक्षा का अभय दान देती थी। आज मैं अपनी गर्भस्थ संतान से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी कोख में बेटी के रूप में हैं, तो अपनी इस महानता का सदैव बोध रखना और सचमुच जीवन में तुम किसी को रक्षा का वचन दे सको, इतनी तुम काबिल बनना मेरी बच्ची। पर फिर काल ने करवट बदली और इस त्यौहार के साथ बहनों को कुछ देने की प्रथा आ गई। बताया जाता है महाराजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती नाप डाली। फिर 3रा पग देने के लिए तब राजा बलि से कहा। इस पर राजा बलि समझ गए कि वामन रूप में दिख रहे कोई साधारण भिखारी नहीं है, इसीलिए 3रे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इसमें भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उनके दरवाजे पर दिन रात खड़े रहे। ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए और पाताल लोक चले गए। कहा जाता है कि जब काफ़ी दिनों तक भगवान वापस ना पहुँचे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बना लिया। तब राजा बलि ने उपहार मांगने को कहा, तो उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया, जिसे राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार आज भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बहनें जब अपने भाई को राखी बांधती है, तो भाई प्रेम स्वरूप उन्हें उनका मनचाहा उपहार अवश्य देते हैं और इस प्रकार वे प्रेम से अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ता देते हैं। फिर द्वापर आया, जब अधर्म बढ़ता जा रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन मांगा। फिर यह कथा सर्वविदित है कि भगवान कृष्ण ने कैसे विपदा की घड़ी में द्रौपदी की लाज बचाकर राखी का मोल चुकाया था। इस प्रकार यह राखी का पुण्य त्योहार अपने विभिन्न स्वरूप ग्रहण करता हुआ आज तक बड़े प्रेम से मनाया जाता है। मुझे लगता है आज का समय भी चिंतन का समय और परिवर्तन मांगता समय है। हमें सोचना चाहिए कि क्या यह पर्व केवल मिठाई के डब्बे और कुछ रुपयों तक सिमट जाएगा? क्या बाहरी दिखावा ही इसका मूल उद्देश्य रह जाएगा?
सोचिए, छोटी सी प्यारी सी बहन राखी बांध रही हो, इससे प्यारा और कोई दृश्य हो ही नहीं सकता। फिर क्यों आज भी बड़ी संख्या में लिंग भेद पर आधारित भ्रूण हत्या के कारण बहनों को जीवन में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है? क्यों आज भी भाइयों से कई गुना अधिक बहनें कुपोषण का शिकार होती है? क्यों हमारी बहनें दहेज प्रताड़ना का शिकार बनती है? क्यों आज भी बड़ी संख्या में वे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाती है? आज मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि यह समय पवित्र दृष्टि से नर नारी एक दूसरे के मूल्य समझने का भी है। यह समय हर क्षेत्र में एक दूसरे की प्रगति में सहयोग करने का भी है। यह समय लगातार बढ़ती जा रही स्वच्छंदता के नाम पर गिरते संस्कारों की रोकथाम का भी है। मेरा विश्वास है कि अगर इस भाव के साथ हम यह पर्व मनाएंगे तो सचमुच हम इसका सही लाभ ले पाएंगे और अपनी संतान को पर्व से जुड़ी सही सीख दे पाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।